हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका शर्मा रेसिपीज़। दोस्तों, मैं हूँ प्रियंका शर्मा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ भिंडी की बहुत ही टेस्टी और लाजवाब सब्जी की रेसिपी, भिंडी दो प्याजा। दोस्तों, भिंडी की सब्जी बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को बहुत पसंद आती है। रेगुलर भिंडी की सब्जी तो हम सभी खाते हैं, लेकिन मैंने इस भिंडी को बड़े ही खास तरीके से बनाया है, तो आप इसे मेहमानों के आगे भी सर्व कर सकते हैं। तो आइए फटाफट से शुरू करते हैं आज की हमारी बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। भिंडी दो प्याजा बनाने के लिए यहाँ मैंने ली है 300 ग्राम के आसपास भिंडी। भिंडी को मैंने अच्छे से धोकर पोंछ लिया था। आइए अब हम भिंडी को काट लेंगे। तो इस तरह से भिंडी के जो दोनों किनारे हैं उन्हें कट कर लेंगे और लगभग एक एक इंच के टुकड़े काट कर तैयार कर लेंगे। अगर भिंडी आपको यहाँ छोटे पीसेस में पसंद है तो आप इसमें छोटे छोटे पीसेस भी बना सकते हैं, लेकिन जो हम बड़े पीसेस में बनाकर तैयार करेंगे तो ये दिखने में भी अच्छी लगेगी और सर्व करने में भी। और इसी तरह से जितनी भिंडी हमने ली है उनके दोनों तरफ से एजेस निकाल कर उन्हें कट करके तैयार कर लेंगे। और ये लीजिए, मैंने सभी भिंडी काट कर तैयार कर ली हैं। यहाँ हम बना रहे हैं भिंडी दो प्याजा, तो यहाँ मैंने मीडियम साइज के दो प्याज लिए हैं। प्याज को हम यहाँ दो पीसेस में कट करेंगे और फिर उसके भी दो पीसेस बना लेंगे। तो इस तरह से एक प्याज को हम चार पीसेस में कट कर लेंगे और जो प्याज की लेयर्स हैं उन्हें हम अलग अलग करके निकाल लेंगे, और जो लास्ट का छोटा पार्ट बचेगा उन्हें हम जो प्याज बारीक काटेंगे उसमें यूज कर लेंगे। भिंडी दो प्याजा बनाने के लिए कुछ इस तरह का प्याज हमें चाहिए। तो ये देखिए, मैंने सभी प्याज इसी तरह से कट कर लिए हैं और इनकी लेयर्स अलग अलग कर दी हैं। अब हम एक प्याज को बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लेंगे, बिल्कुल इस तरह से। यहाँ मैंने दो टमाटर को अच्छे से ग्राइंड करके प्यूरी तैयार कर ली है और यहाँ 8 से 10 लहसुन का पेस्ट बनाकर तैयार किया है। भिंडी दो प्याजा बनाने के लिए अब हम सबसे पहले लेंगे एक फ्राई पैन, उसमें डालेंगे 2 से 3 चम्मच सरसों का तेल। आप यहाँ कोई भी वेजिटेबल ऑयल यूज कर सकते हैं। तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें जो हमने भिंडी कट करके तैयार की थी वो इसमें फ्राई कर लेंगे। भिंडी को फ्राई करते टाइम हमें गैस की फ्लेम को मीडियम हाई रखना है, जिससे भिंडी काफ़ी अच्छे से फ्राई हो जाएंगी। यदि हम यहाँ गैस की फ्लेम को लो रखते हैं तो भिंडी चिपचिपी होने लग जाएंगी। मीडियम हाई फ्लेम पर हम भिंडी को 3 से 4 मिनट तक चलाते रहेंगे। भिंडी बहुत ही जल्दी पक जाती हैं, तो इसलिए 3 से 4 मिनट लगातार चलाते रहने से भिंडी एकदम पक जाएंगी। और ये देखिए, बिल्कुल हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर भिंडी का होना शुरू हो जाएगा। इस स्टेज पर अब हम भिंडी को किसी बर्तन में निकाल लेंगे। सेम फ्राई पैन में अब हम फ्राई करेंगे प्याज, तो उसके लिए हम इसमें डालेंगे 2 से 3 चम्मच तेल। तेल को गर्म होने देंगे। तेल गर्म होने के बाद जो हमने लेयर्स में प्याज कट की थी अब इसमें डाल लेंगे, और गैस की फ्लेम को हमें यहाँ मीडियम हाई ही रखना है और लगातार प्याज को चलाते रहेंगे। हमें यहाँ प्याज को ज़्यादा नहीं भुनना है, बिल्कुल हल्का सा ट्रांसपेरेंट कलर आने तक प्याज को भून लेंगे। और इस स्टेज पर हम प्याज को किसी बर्तन में निकाल लेंगे। और ये देखिए, थोड़ा सा तेल फ्राई पैन में बचा हुआ है, तो इसमें हम 1 से 2 चम्मच तेल और ऐड कर लेंगे और तेल को गर्म होने देंगे। तेल गर्म होने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच अजवाइन। अजवाइन को अच्छे से चटकने देंगे, साथ ही इसमें ऐड करेंगे बारीक कटी हुई प्याज और लहसुन का पेस्ट, और इन्हें तेल में अच्छे से फ्राई कर लेंगे। हमें यहाँ प्याज को ज़्यादा नहीं भुनना है और गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है। हल्का सा गोल्डन कलर आने तक प्याज को फ्राई करेंगे। साथ ही अब हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च, और इन्हें भी प्याज के साथ अच्छे से फ्राई होने देंगे। और ध्यान रहे, हमें यहाँ प्याज को ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल इसका हल्का सा कलर आने तक हमें प्याज को फ्राई करना है। प्याज यहाँ फ्राई हो चुकी है, अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाले। तो यहाँ मैंने लिया है 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यह मसाले एकदम ड्राई हो जाएंगे, तो हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी। पानी हमें यहाँ बिल्कुल थोड़ा सा ही डालना है, और पानी डालते ही मसालों की बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगेगी। और गैस की फ्लेम को हम यहाँ मीडियम हाई रखेंगे। और ये देखिए, मसाले भी काफ़ी अच्छे से भुन चुके हैं और मसालों ने तेल भी छोड़ दिया है। इस स्टेज पर अब हम इसमें ऐड करेंगे टोमेटो प्यूरी जो हमने तैयार की थी, और टोमेटो प्यूरी को मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। तो हम इसे 1 से 2 मिनट तक ढककर पकाएंगे।
एक से दो मिनट बाद मसाले काफी अच्छे से पककर तैयार हो जाएंगे। और ये देखिए कितनी बढ़िया ग्रेवी बनकर तैयार हो चुकी है। हमें यहाँ ग्रेवी को थोड़ा सा पतला ही रखना है। और इस स्टेज पर अब हम इसमें ऐड करेंगे फ्राई की हुई भिंडी और फ्राई की हुई प्याज। ग्रेवी को यहाँ मैंने थोड़ा सा पतला इसलिए रखा है ताकि भिंडी और प्याज पर ग्रेवी की कोटिंग काफी अच्छे से हो जाए। भिंडी और प्याज को ग्रेवी के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये देखिए काफी अच्छे से जो ग्रेवी है उसकी कोटिंग भिंडी और प्याज पर आ चुकी है। अब हम इसे ढककर 2 से 3 मिनट पकने के लिए छोड़ देंगे। ऐसा करने से जो मसाले हैं वो भिंडी के साथ काफी अच्छे से मिक्स हो जाएंगे और भिंडी भी काफी अच्छे से पक जाएगी। एक बार सब्जी को हम मिक्स कर लेंगे। और ये लीजिए भिंडी दो प्याजा बनकर तैयार है। इस स्टेज पर अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच गरम मसाला और सब्जी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये लीजिए दोस्तों तैयार है बहुत ही टेस्टी और चटपटी एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल वाली भिंडी दो प्याजा। गर्मा गर्म सब्जी को हम सर्व करेंगे चपाती पराठे या नान के साथ। ये खाने में बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुई है। तो दोस्तों आप भी मेरे तरीके से एक बार भिंडी दो प्याजा जरूर ट्राई कीजिए, ये सबको ही बहुत पसंद आएगी। तो दोस्तों यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।